हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है स्कीम ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कौन कौन से लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम हैं और वे कब आए हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम पहले बात करते हैं DDC के बारे में। DDC डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसे किसने दिया था? मेलविल डीवी ने। और ये कब आया था? 1876 में। दूसरा है हमारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को जो था वो CA कटर के द्वारा दिया गया था, और ये कब आया था? 1891 में, 1891 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम जो था वो 1904 ईस्वी में आया था। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसे कि पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फोंटेन के द्वारा दिया गया था, और ये कब आया था? 1905 ईस्वी में आया था। उसके बाद है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन JD ब्राउन के द्वारा दिया गया था, और ये कब आया था? 1906 ईस्वी में आया था। उसके बाद है कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा दिया गया था, और ये कब आया था? 1933 ईस्वी में। उसके बाद है बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम जो कि HE ब्लिस के द्वारा दिया गया था, और ये 1935 ईस्वी में आया था। दोस्तों, ये सीरीज में मैंने लिया है, जैसे कि इनकी 1876 DDC, 1891 एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, 1904 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम, 1905 UDC क्लासिफिकेशन स्कीम, 1906 सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, 1933 कोलन क्लासिफिकेशन है, 1935 बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन स्कीम। दोस्तों, मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लेकर के आपके सामने आती रहूँ ताकि आप NBS का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। थैंक यू। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।